नमस्कार दोस्तों, जिस तरह से देश के हर हिस्से में चौड़ी चौड़ी सड़कों और एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है, उससे आज देश के सबसे पिछड़े राज्यों में गिने जाने वाले उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य भी रोड कनेक्टिविटी में सबसे आगे होते जा रहे हैं। जहां आज उत्तर प्रदेश 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य बन चुका है, तो वहीं बिहार में भी कई नए नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर निर्माण कार्य चल रहा है, जिससे आने वाले 2 से 3 सालों में बिहार भी रोड कनेक्टिविटी के मामले में अन्य किसी राज्य से पीछे नहीं रहेगा। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बिहार राज्य में केंद्र सरकार ने बक्सर जिले में चौसा बक्सर नेशनल हाईवे यानी NH 319A के दूसरे पैकेज को 4 लेन करने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही इस सड़क में 4 लेन बाईपास के निर्माण का भी रास्ता साफ हो गया है। केंद्र सरकार ने इस हाईवे के निर्माण के लिए 1,060 करोड़ रुपए की लागत तय की है। इस बात की जानकारी स्वयं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करके दी है। गडकरी जी ने बताया कि NH 319A के पैकेज 2 के अंतर्गत बनाए जा रहे इस हाईवे को इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन यानी EPC मोड के तहत बनाया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि EPC मोड के अंतर्गत प्रोजेक्ट की पूरी लागत राज्य या केंद्र के द्वारा खर्च की जाती है, परंतु उस प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा करवाया जाता है। इसके अलावा गडकरी जी ने बताया कि 4 लेन का यह हाईवे एक ग्रीन फील्ड हाईवे होगा, जो कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बक्सर वाराणसी ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे को भी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस हाईवे का पैकेज 1 मोहिनिया से चौसा तक का निर्माण कार्य कोलकाता की एक कंपनी के द्वारा किया जा रहा है, जिसकी लंबाई 69 किलोमीटर की है, परंतु अब केंद्र के द्वारा इस हाईवे के पैकेज 2 की मंजूरी मिलने के बाद जल्द ही भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू किया जाएगा। इसके बाद हाईवे के लिए टेंडर निकालकर जल्द से जल्द इसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो में मिली जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।